दोस्तों, क्या अब आवाज वगैरह आ रही है? प्लीज मुझे बता दीजिए, अब आवाज वगैरह आ रही है क्या? अब सब कुछ ठीक है? प्लीज एक बार यस करके बता दीजिए, आपको मेरी आवाज वीडियो वगैरह आ रही है? दोस्तों देखो, कई बार दिक्कत हो जाती है, कुछ वायर वगैरह हिल गया था, उसको मैंने सही करा है। ठीक है, चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आई होप आप लोगों का सब कुछ सही आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को शाम को 4 बजे मेंस ट्रोल साइकिल आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल नहीं हो पाई थी, आज हम लोग करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे आप लोग आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, चलिए देखो, क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है कौन सा नाइट्रोजीनियस अपशिष्ट अत्यधिक जहरीला है। देखो आप लोगों को पता है हमारी बॉडी में, देखो आप क्या क्या खाते हो सर? कार्बोहाइड्रेट खाते हो क्या? बिल्कुल खाते हैं। प्रोटीन खाते हो क्या? बिल्कुल खाते हैं। फैट वाली चीज खाते हो क्या? बिल्कुल खाते हो। क्या आप लोगों को पता है प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? क्या आप लोगों को पता है प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? बिल्कुल पता है सर, कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं, जो भी प्रोटीन आप लोग खाते हो उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है, कुछ वेस्ट भी बचता होगा, यानी उस वेस्ट में नाइट्रोजन भी होगा ना। तो ये जो नाइट्रोजन वाला वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए बहुत बेकार है, इसको बाहर निकालना जरूरी है। तो कोई कोई जीव तो ऐसे होते हैं जो अमोनिया के रूप में ये वेस्ट को बाहर निकालते हैं, कोई यूरिया के रूप में निकालते हैं, कोई यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं। तो आप लोगों से बोला जा रहा है यार, इन तीनों में से सबसे जहरीला कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो अमोनिया है वो जहरीला है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आप लोग बता सकते हैं क्या हम ह्यूमंस जो होते हैं वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट किस रूप में बाहर निकालते हैं? अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में? तो आप लोग बोलोगे यूरिया के रूप में। हमारे मूत्र में इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। दोस्तों यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये भी ध्यान रखिए, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, NH2CO, ये हो जाएगा यूरिया का फॉर्मूला। क्या आप लोग बता सकते हैं अमोनिया के रूप में कौन अपना नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालते हैं? जो मछली होती है ना, फिश होती है, वो अमोनिया के रूप में अपना वेस्ट बाहर निकालती है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कि यूरिक एसिड के रूप में कौन अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं? जो बर्ड होते हैं ना, जो पक्षी होते हैं, वो अपना जो वेस्ट होता है ना नाइट्रोजन वाला वेस्ट, वो यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आप लोग बताए बताइए। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। देखो आपको पता है जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसको आप लोग 3 पार्ट में बांट सकते हो। एक तो होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है आप लोगों का डाइसैकेराइड, एक होता है आप लोगों का पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड आप लोगों का क्या होता है? सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है सर। इसके एग्जांपल आपने बताया था, ग्लूकोज बताया था, लेकिन ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं है सर। आपने फ्रक्टोज भी बताया था, वो भी ऑप्शन में नहीं है सर। आपने गैलेक्टोज भी बताया था, वो भी ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें, बहुत जने आंसर सुक्रोज दे रहे हैं। अरे यार ऐसे मत करो, जो सुक्रोज होता है वो तो आपका डाइसैकेराइड होता है यार। स्टार्च जो होता है वो आपका पॉलीसैकेराइड होता है, सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड होता है। एक ही ऑप्शन बचा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को ये तो पता ही था ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये मोनोसैकेराइड होते हैं। आप लोगों को एक एग्जांपल सीखने को और मिल गया, जाइलोज। देख लो दोस्तों, जो जाइलोज है वो आपका एक मोनोसैकेराइड है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से याद नहीं है तो दोस्तों आप ऐसा थोड़ी इस पर टिक कर दोगे। आपको पता है अच्छे तरीके से सुक्रोज जो होता है, माल्टोज जो होता है, लैक्टोज होता है, वो डाइसैकेराइड होता है। इस पर क्यों क्लिक कर रहे हो? इसको तो आप ऐसे एलिमिनेट कर देते, इसको भी ऐसे एलिमिनेट कर देते, इसको भी ऐसे एलिमिनेट कर देते, आंसर अपने आप आ जाता आपके पास में यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखो, आंसर बताओ, टेंशन मत लो। लैक्टोज का फॉर्मूला आप लोगों को बताना है। देखो लैक्टोज क्या है सर? ये एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड क्या होता है सर? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये वाली कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को कहां पर मिलती है? मिल्क में मिलती है, दूध में मिलती है, इसीलिए हम लोग इसको मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? इसका फॉर्मूला है C12H11O11। और यही फॉर्मूला किसका होता है? सुक्रोज का भी यही फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला किसका होता है? माल्टोज का भी होता है। दोस्तों मुझे यह भी बताइए, क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछा गया था कि कौन से शुगर को या कौन से कार्बोहाइड्रेट को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं? तो आप लोग क्या बोलोगे? सुक्रोज को हम लोग
टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, याद रह जाएगा ना। चलिए अभी फॉर्मूला पूछा गया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताओ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आयतन में कोई भी परिवर्तन किए बिना एक धातु के बेलनाकार तार की लंबाई में इतने परसेंट की वृद्धि की जाती है तो इसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, बताइए, बताओ। देखो समझे बात को, क्वेश्चन को समझो, टेंशन मत लो। जैसे मान लो ये कोई वायर है और हर वायर की कोई ना कोई लेंथ होती है, तो इसकी लेंथ को मैंने एल मान लिया दोस्तों, इसके एरिया को आपने क्या माना, ए माना, और हर वायर की कोई ना कोई प्रतिरोधकता भी होती है, इसकी प्रतिरोधकता को आपने मान लिया रो। दोस्तों क्या आप लोग इसका रेजिस्टेंस बता सकते हैं क्या? जी बिल्कुल सर, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोधकता गुना लंबाई बट्टे एरिया, ये क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, ठीक है। दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं ऊपर और नीचे एल से मल्टीप्लाई करूं कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, ये एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा सर? ये वॉल्यूम बन जाएगा, यानी रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला आ गया, रो एल स्क्वायर बाय वी, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन किए बिना, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर रहे, इसकी लंबाई में वृद्धि कर रहे हो आप, ठीक है। ये जो तार है ना दोस्तों, ये तार है ना, इसको खींच रहे हो, इसकी लेंथ में वृद्धि कर रहे हो, कुछ इस प्रकार कर रहे हो, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। आपको पता है ना प्रतिरोधकता में कोई चेंज आएगा, ना वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, लंबाई में चेंज आ रहा है। तो अगर लंबाई में चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में भी आएगा, तो कितने परसेंट चेंज आएगा? अगर लंबाई में आप लोग 25% की चेंज कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो, तो आप लोगों ने उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट आपने पढ़ा होगा। तो देखो एल स्क्वायर, इसको मैं एल इंटू एल बोल दूं, पहले वाले में भी 25% का चेंज, दूसरे वाले में भी 25 का चेंज, 25+25 50 मत कर देना, यहां पर क्या लगेगा, फॉर्मूला याद है कि आपको मैथ्स में पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, अरे याद है नहीं है, बिल्कुल याद है सर, 25+25+25 का स्क्वायर बट्टे 100, तो ये 25+25 तो 50 हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा, 25 से 4 बाद में, 25/4 कितना होता है, 6 ऐसे कुछ आएगा ना, 6.25, सही बोल रहा हूँ क्या? देखो 25/2 होता है 12.5, 6.25, ठीक है, तो 56.25 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? वैसे मैं एक चीज बताऊं क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सॉल्व ही नहीं करा होगा, उनको इतनी प्रैक्टिस कर रखी है उन्होंने मैथ्स की, रीजनिंग की, जैसे ही वो देखते हैं 25% सक्सेसिव डिस्काउंट, उनको अपने आप याद है आंसर 56.25 होगा। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, जब मैं गेट की तैयारी करता था 2016 की बात है ना, तो आप जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे होंगे ना, उसमें आप लोगों को पता होगा, वहां पर ना एक टर्म यूज होता था एफिशिएंसी, जब हम लोग निकालते थे ना, 1-1/r^(γ-1/γ) ऐसा होता था। तो बहुत सारे, अब यार ये फॉर्मूला क्या है, बहुत ज्यादा यूज होता था, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, वो बार बार है ना ये वैल्यू निकालते थे, गामा की वैल्यू रखी 1.4, फिर 1, फिर गामा की वैल्यू 1.4, फिर इसको सॉल्व करते थे, साइंटिफिक कैलकुलेटर आता था गेट में, बट मुझे सीधे ये वैल्यू याद रख रखी थी मैंने 0.2857, तो समझ रहो, तो आप, मैं अपने आप को होशियार नहीं समझ रहा, आप भी बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते होंगे, उनको दिमाग में याद होगा 25% से 56.25 आएगा, 50 से इतना आएगा, 70 से इतना आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, किस प्रकार के पौधे को पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है? देखो दोस्तों आप लोगों को पता है प्लांट यार बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, जिसमें पत्तियां वगैरह नहीं पाई जाती, फूल वगैरह नहीं पाई जाती, कोई बड़े बड़े पेड़ आप लोगों ने देखे होंगे, समझ रहे हो बात को, तो इन पेड़ों को, सॉरी इन प्लांट को, इन पादप को इनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुप में हम लोगों ने वर्गीकृत करा। सबसे पहला ग्रुप है दोस्तों थैलोफाइटा, इसमें उन वाले प्लांट को रखा गया जो बिल्कुल सिंपल होता है, जा नहीं इसमें तना पत्ती वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता, ठीक है। और ये वाले जो प्लांट होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों, वॉटर में पाए जाते हैं। इसके बाद में आया दोस्तों ब्रायोफाइटा,
ये वाले प्लांट भी आप लोगों के कम डेवलप होते हैं, हालांकि थैलोफाइटा वाले से ज्यादा डेवलप होते हैं, ये भी आप लोगों के वाटर में पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों टेरिडोफाइटा। ये पहले ऐसे प्लांट थे जो कहां पर मिले, लैंड पर मिले। लेकिन दोस्तों ये होते तो लैंड पे, जमीन पे आप लोगों के उगते हैं, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। तो इनको लैंड पे रहते हैं, पानी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं एम्फीबियन यानी उभयचर। अच्छा सॉरी, अभी आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनिकल स्नेक, है ना, मतलब किसो पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। तो ये पहले ऐसे प्लांट थे जो आप लोगों के किस पे मिले थे, लैंड पे मिले थे, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेप्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का देखो द फर्स्ट प्लांट थे जो कि किसे कहां पर मिले थे, ये लैंड पे मिले थे, इसीलिए हम लोग इसे बॉटनिकल स्नेक बोलते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जो ब्रायोफाइटा वाले होंगे ना, इनको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन उभयचर। ठीक है, समझ में आ गई बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, द्रव्यमान m का एक ब्लॉक त्रिज्या r के एक कटोरी के रिम से नीचे की ओर स्लाइड करता है, निम्नतम स्थिति पर ब्लॉक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों एक कटोरा है ना, आपने देखा होगा कटोरा, तो यार घर में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कटोरा है। ठीक है, इस कटोरे की आप लोगों को त्रिज्या दी गई है, रेडियस, रेडियस इस कटोरे की रेडियस आप लोगों को दी गई है, कितनी दी गई है, आर इसकी रेडियस है। ठीक है, अब दोस्तों द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। ठीक है, कटोरे की रिम से, रिम का मतलब बिल्कुल कॉर्नर की बात हो रही है, रिम से नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है। अब दोस्तों नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो जब ये बिल्कुल इस वाली पोजीशन में होगा निम्नतम, तो इसके पास में कितनी गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। चलो अभी निकालते हैं, ये दोस्तों बिल्कुल आप लोगों का जमीन हो गई। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूं। आपको पता है टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, यानी ए पॉइंट पे जितनी टोटल एनर्जी थी उतनी ही टोटल एनर्जी किस पे रहेगी, बी पॉइंट पे रहेगी। क्या मैं लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। समझ में आ गया। अब दोस्तों इस ए पॉइंट पे कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, देखो एक तो जमीन से कुछ हाइट पर है, कितनी हाइट पर दोस्तों, ये हाइट कितनी होगी कोई बता सकता है क्या, अरे ये हाइट कितनी होगी कोई बता सकता है क्या, दोस्तों रेडियस के बराबर ही तो होगी। तो कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु जब किसी हाइट पे होती है तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे क्या हो जाएगी, कुछ मान लेते हैं कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। टोटल एनर्जी बी पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। दोस्तों क्या ए पे काइनेटिक एनर्जी है क्या, नहीं सर अभी जस्ट रखा हुआ है, अभी छोड़ा नहीं, गति नहीं कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सर कोई भी एम द्रव्यमान की वस्तु जब जमीन से कुछ हाइट पर होती है ना, एच हाइट पे, तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। अभी कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट पे, आर हाइट पे है, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, एम जी आर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी, यही तो निकालनी है, चलो इसको एक्स मान लेते हैं। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पर, सर जमीन से कुछ हाइट पे है ही नहीं, है ही नहीं, जीरो हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी एक्स का मान आ गया एम जी आर, यानी इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एम जी आर होगी। दोस्तों बताओ, बढ़िया क्वेश्चन था ही नहीं था, बहुत जनों को लग रहा था पता नहीं क्वेश्चन क्या है, पता नहीं क्या ही पूछ लिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ गई, चलो बताओ क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों आप लोगों से बोला जा रहा है गीटेनोगेमी जो होता है वो किसका एक प्रकार है, किसका एक प्रकार है। आइए पहले आप लोगों को पहले तो देखिए क्या आंसर होगा, बहुत जने बोल रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन, बहुत जने बोल रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखो समझो, पहले तो पॉलिनेशन समझ लो, परागण समझ लो क्या होता है। दोस्तों आप लोगों को पता है ह्यूमंस रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, मानव प्रजनन कैसे करते हैं, सर ड्यूरिंग सेक्स मेल बॉडी से जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी में जाता है, यानी मेल से फीमेल में कुछ जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं।
सिमिलरली प्लांट में जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। तो जिन प्लांट में फ्लावर होता है ना, जिन प्लांट में फूल होते हैं, वो किस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं? पॉलिनेशन मेथड से, परागण विधि से। सर क्या होता है उसमें, एक्चुअली में जो फ्लावर होता है ना, जैसे मान लो ये फ्लावर है, इस फ्लावर में होता है मेल पार्ट और इस फ्लावर में ही होता है फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में कुछ कण जाते हैं जिसे बोलते हैं पोलिन ग्रेन्स, पराग कण। तो जब दोस्तों ये जाएंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन यानी परागण। अभी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आप लोगों का सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है आप लोगों का क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, एक प्लांट है इसका, जैसे मान लो ये रहा फ्लावर, दूसरा फ्लावर, तीसरा फ्लावर, चौथा फ्लावर, एक ही प्लांट के फ्लावर के बीच में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलोगे भैया, दो प्लांट है, एक प्लांट ये रहा, दूसरा प्लांट ये रहा, अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है, एक प्लांट के फ्लावर के मेल पार्ट से दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल पार्ट में जा रहा है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। अब दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन भी आपका दो टाइप का होता है, एक तो ऑटोगेमी, एक गीटेनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, जो फ्लावर होता है ना, जैसे मान लो ये प्लांट है, इसका ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, एक ही फ्लावर के मेल पार्ट से उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में चल जाता है। जबकि गीटेनोगेमी में क्या होता है, ये आप लोगों का मान लो एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, तो प्लांट तो एक ही है बट एक फ्लावर के मेल पार्ट से किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट में जा रहा है, प्लांट एक ही है। तो सेल्फ पॉलिनेशन भी दो टाइप का होता है, ऑटोगेमी और गीटेनोगेमी। तो गीटेनोगेमी किसका टाइप हो गया दोस्तों, सेल्फ पॉलिनेशन का हो गया, नहीं हो गया बताओ यार, बताओ। क्वेश्चन बढ़िया था, समझ में आया कॉन्सेप्ट, पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, आपको इस क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताइए। और दोस्तों इन न्यूमेरिकल से डरा मत करो, अगर आप लोगों को रेलवे एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो न्यूमेरिकल तो आपको आने ही चाहिए, और कुछ भी नहीं आपने बस दिमाग में बना रखा है न्यूमेरिकल। देखो भी बहुत आसान भाषा में समझते हैं हम लोग, टेंशन मत लिया करो। बोला जा रहा है किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए, कोई गेंद है इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हो, प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग को सर यू से डिनोट करते हो, कितना दिया गया है मान बताओ, 25 मीटर पर सेकंड दिया गया, 25 मीटर पर सेकंड दिया गया, ठीक है। तो अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? सर जब मैं किसी चीज को ऊपर फेंकूंगा ना, तो सर इसका वेग धीरे धीरे कम होगा, 25 से 20 होगा, 15 होगा, 10 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 2 होगा। जब इसका वेग जीरो हो जाएगा ना, जब इसकी फाइनल इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, वो हाइएस्ट पॉइंट होगा, इससे और ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर वेग ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वेग ही जीरो हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली देखना है इसमें टाइम कितना लगेगा। सर एक समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी, लगा दो सर आंसर, लिया बताओ, यहां से यहां के लिए फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। प्रारंभ में कितनी थी, u का मान कितना था, 25 था। जब भी आप लोगों को पता है हवा में गति करता है, कौन सा त्वरण कार्य करता है, गुरुत्वीय त्वरण। बॉल जा रही है ऊपर, त्वरण लग रहा है नीचे, यानी एक मंदन की तरह कार्य कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का मान लोगे माइनस में, ठीक है। तो माइनस जी, जी का मान बोल रहा 10 ले लो, तो माइनस 10, तो कितना टाइम हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, माइनस 25 बटे माइनस 10, 2.5 सेकंड का समय लगेगा। बताओ समझ में आया, क्वेश्चन बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बताओ इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन इतना फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्रांतिक कोण, अपवर्तनांक, ये वाले है ना। देखो जल के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या है? सर पहले तो मुझे बताओ क्रांतिक कोण क्या होता है, मुझे नहीं पता सर, रट लूंगा मैं कि भैया ये होगा, लेकिन बताओ तो सर क्या होता है। देखो समझो मेरी बात को, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे मान लो यहां पर वॉटर है, यहां पर क्या है, वॉटर है दोस्तों, ऊपर क्या है, एयर है। तो जब भी प्रकाश की किरण वाटर से एयर में जाएगी होगा क्या, जैसे मान लेते हैं सर ऐसे जा रही थी, तो आपको पता है ना सर जब डेंसर से रेयर में जाता है तो होता क्या है, जैसे नॉर्मल है अभिलंब जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है।
तो दोस्तों एक ऐसा एंगल जिस पर प्रकाश किरण बिल्कुल ऐसे हो जाए, बिल्कुल ऐसे हो जाए, उसे ही हम लोग क्रांति कोण बोलते हैं। तो जल के लिए क्रांति कोण कितना होता है दोस्तों? मुझे क्या जल का अपवर्तनांक आप लोग बता सकते हैं? बता सकता हूं, ये तो सर बहुत सिंपल है, 4/3, या आप लोग 1.33333 बोल सकते हो। एक्चुअली में दोस्तों अपवर्तनांक और क्रिटिकल एंगल में कुछ रिलेशन होता है। ये फॉर्मूला है μ=1/sin c, ठीक है, जहां पर c क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो सर मुझे म्यू पता है, लेकिन सर ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत है। तो फिर क्या करें, आपको याद रहना चाहिए, देखो सीधे याद रखो, जो वाटर होता है इसका अपवर्तनांक होता है 1.33, क्रिटिकल एंगल होता है 49 डिग्री। ग्लास कांच अपवर्तनांक होता है 1.5, क्रिटिकल एंगल होता है 42। डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 के आसपास होता है, और क्रिटिकल एंगल 24। इन तीनों माध्यम के, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के अपवर्तनांक आपको पता होने चाहिए, तीनों के आपको क्रांतिक कोण पता होने चाहिए। समझ में आ गए बात को? अरे इन तीनों के बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 किसका हो जाएगा? ग्लास का हो जाएगा, कांच का हो जाएगा। 24 किसका? डायमंड यानी हीरे का हो जाएगा। चलिए आंसर बताएंगे, बताओ। बाय फिजन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई वी गेट न्यूक्लियाई ऑफ, सर ये क्या बोलना चाह रहा है? देखो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक होता है, हम जानते हैं नाभिक विखंडन, न्यूक्लियस फिजन। नाभिक विखंडन क्या होता है सर? जब कोई बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है ना, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, यानी नाभिकीय विखंडन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, बोलते हैं ना, अरे बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि जब ये यूरेनियम का नाभिक टूटेगा ना, तो ये जो दो छोटे नाभिक मिल रहे हो किसके मिल रहे हैं? बेरियम के, क्रिप्टोन के मिल रहे हैं, बेरियम के, रेडॉन के मिल रहे हैं, रेडॉन क्रिप्टोन, रेडॉन बेरियम, बताओ। और दोस्तों टूटता कैसे है पहले ये समझो, मैं बताऊं आपको, देखो प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए, है ना। देखो दोस्तों यूरेनियम जो होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और मास नंबर होता है 235। इसका मतलब क्या है? यूरेनियम का जो एटम होगा, परमाणु होगा, उसके बीच में जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? 235। समझ में आ गया? केवल मैंने न्यूक्लियस को बाहर निकाल लेता हूं, इसमें टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 235 है। दोस्तों जब मैं एक न्यूट्रॉन की इसमें बम्बार्टमेंट करूंगा, एक फेंकूंगा न्यूट्रॉन, तो टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 236 हो जाएंगे। और दोस्तों ये अनस्टेबल हो जाता है और टूट जाता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, दो छोटे छोटे नाभिक में। तो दोस्तों यूरेनियम के न्यूक्लियस से आप लोगों का एक तो बेरियम का मिलता है और एक क्रिप्टॉन का मिलता है, ठीक है, बेरियम और क्रिप्टॉन। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन, बताओ आंसर बताइए। जयंता, गोपाल, आदित्य, प्रतीक, सुनील, दीपा, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बोला जा रहा है 1.9 किलोग्राम की एक वस्तु है, ठीक है, ये कोई एक वस्तु है कितने की? 0.9 किलोग्राम की। इस पर आपने एक बल लगाया, एक फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया, कितने समय के लिए लगाया? 10 सेकंड के लिए लगाया, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ठीक है सर। और आपने जब 10 सेकंड के लिए फोर्स लगाया ना, तो वस्तु यहां से यहां पर आ गई, कितनी आ गई? 250 मीटर आ गई, ठीक है। तो बल का परिमाण बताना है आप लोगों को, फोर्स कितना लगाया था, ये आपको निकालना है, फोर्स कितना लगाया था। सर ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना मास है, कितना द्रव्यमान है? 0.9 है। अगर मुझे कहीं ना कहीं त्वरण पता पड़ जाए, तो मैं आराम से निकाल दूं फोर्स कितना लगा था। तो कैसे निकाले त्वरण? देखो देखो देखो, प्रारंभ में ये रेस्ट में था, प्रारंभिक वेग 0 था दोस्तों, ध्यान रखेंगे ना। आपने लगाया फोर्स 10 सेकंड के लिए, जिससे ये 10 सेकंड में 250 मीटर चल दिया। तो ये समीकरण आप जानते हो, s = ut + half a t2, जानते हो क्या?
तो मुझे बताओ यहां से यहां पर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना हुआ 250। एस का मान रख दो 250, यू का मान जीरो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/2 एक्सलरेशन तो देखना है ना, इस फोर्स की वजह से कितना त्वरण आया होगा वही तो निकालना है, भी निकालते हैं। ऐसे अकेले टाइम कितना लगा 10 सेकंड, 10 का स्क्वायर 100, तो 100/2 हो गया 50, एक्सलरेशन का मान आ गया 250/50 यानी 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 0.9 × 5 ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 4.5 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर है। चले आगे बताओ, इसका आंसर बताओ। आपको बताना है अधातु जो मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में वो कहां पर मिलेंगे। करेंगे दोस्तों, जेई के लिए प्लान करेंगे, गोपाल जी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आ जाओ देखो, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये हमारी आवर्त सारणी है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को पता है टोटल 18 वर्ग है ना, तो पहला और दूसरा जो वर्ग होगा ये आपका एस ब्लॉक होगा, 13 से 18 वाला जो होगा ये होगा आप लोगों का पी ब्लॉक होगा, यहां पर डी ब्लॉक होगा, यहां पर एफ ब्लॉक होगा। तो आपको पूछा जा रहा है नॉन मेटल अधातु कहां पर मिलेंगे। दोस्तों आपको एक चीज तो बता दूं, डी वाले और एफ ब्लॉक में सारे मेटल्स मिलते हैं, एक भी नॉन मेटल आपको नहीं मिलेगा, तो जहां पर डी और एफ है वो हटा दो, चलो डी और एफ है ही नहीं, चलो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना अधातु वो आपको पी ब्लॉक में मिलते हैं, पी ब्लॉक। लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोगों का हाइड्रोजन एक ऐसा यहां पर एस ब्लॉक में सारे धातु है, बस एक हाइड्रोजन अधातु है, तो कुल मिला के अधातु आपको एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक दोनों में मिल रहा है यार। समझ में आ गई क्या बात को? बात समझ में आ गई क्या? अरे आई या नहीं आई? चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आंसर बताइए इसका, दोस्तों आप लोगों को पता है जब प्रेगनेंसी टेस्ट करा जाता है ना यूरिन के माध्यम से, तो बेसिकली वो कौन सा हार्मोन चेक करते हैं वो, मतलब अगर ये वाला हार्मोन प्रेजेंट है इसका मतलब जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट है, अगर ये हार्मोन प्रेजेंट नहीं है तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो कुल मिला के ये पूछा जा रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज जो होती है, जो महिला होती है, उनकी बॉडी में कौन सा हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का HCG हार्मोन, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। सर ये बनता कहां पर है? देखो जब लेडी कोई प्रेग्नेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये मान लो ये उनका क्या है गर्भ है, तो उनमें जो प्लेसेंटा बनने का प्लेसेंटा बन जाता है अंदर, है ना, प्लेसेंटा गर्भाशय यूटेरस के अंदर प्लेसेंटा बन जाता है। सर प्लेसेंटा क्या होता है? यहीं से बच्चे को पोषक तत्व मिलते हैं, तो इस प्लेसेंटा के द्वारा एक हार्मोन का निर्माण होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे आप लोग बोल रहे हैं HCG हार्मोन, और प्रेगनेंसी टेस्ट में यही हार्मोन चेक करा जाता है कि बना या नहीं बना, बन गया इसका मतलब लेडीज प्रेग्नेंट है, नहीं बना इसका मतलब प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे, बताओ। देखो आप लोगों को बताया हमारी पूरा जो बॉडी है ना वो किससे मिलके बना हुआ है, सेल से कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, तो आप लोग चाहते हो ना कोशिका इकट्ठी रहे, सेल से एक साथ जुड़ के रहे, अलग अलग नहीं रहे, चाहते हो ना, तो कौन सा विटामिन है इन सेल को जोड़े रखने में मदद करता है, कोशिका को जोड़े रखने में मदद करता है? दोस्तों विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विटामिन सी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो बोलते हैं विटामिन सी खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी यार? कोशिका एक मिलके रहेगी यार, अलग अलग नहीं रहेगी, बीमार नहीं करेगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताएं स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस से ज्यादा जो पीड़ित होते हैं ना वो कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, महिलाएं नहीं होती, क्यों सर? इसका कारण क्या है? दे अंडरगो मोर मेंटल स्ट्रेस, जो लड़के होते हैं उनको ज्यादा स्ट्रेस होता है क्या? देखो ये बात तो मैं आपको पहले बोल दूं, जितना स्ट्रेस लड़कों को होता है उतना ही स्ट्रेस लड़कियों को भी होता है, लड़का कोई वो नहीं है कि हाँ भाई सर हमारे पास में वो है कि हमको नौकरी करनी पड़ती है, ये करनी पड़ती है, यार इक्वल है, आप है ना कैसे भी देख लो, है ना, कैसे भी आप लोग देख लो दोनों को बराबर स्ट्रेस होता है,
ना लड़के को ज्यादा ना लड़की को ज्यादा, दोनों को बराबर स्ट्रेस होता है। दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों के अपने अपने भैया दायित्व है, अपने अपने चैलेंजेस है, ठीक है। तो क्या चक्कर है फिर ये सर? ये जो लड़के रहते हैं वो ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, इसलिए क्या? जैसे जॉब पे निकलते हैं जनरली, लेडीज जो रहती है वो घर पे रहती है, ये कारण है। देखो समझो मेरी बात को दोस्तों, एक्चुअली में कलर ब्लाइंडनेस जो है ना वो एक जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ सकते हैं, आ सकता है, ठीक है। आप लोगों को पता है पुरुषों में जो 23वां क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स वाई, महिला में होता है एक्स एक्स। एक्चुअली में कलर ब्लाइंडनेस में जो दिक्कत होती है ना वो एक्स क्रोमोसोम में होती है। तो अगर मान लो इस पुरुष का एक एक्स क्रोमोसोम में कोई दिक्कत है, तो मैं बोलूं कितना परसेंट एक्स क्रोमोसोम खराब है? सर 100% खराब हो गया ना, एक ही तो एक्स था वो भी खराब हो गया। महिलाओं में दो एक्स, अगर मान लो एक खराब भी हुआ ना तो इनको मैं पेशेंट नहीं बोलूंगा, जब इनके पूरा 100% एक्स खराब होगा तब इनको कलर ब्लाइंडनेस होगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो पुरुषों के पास में एक एक्स क्रोमोसोम है इसलिए कलर ब्लाइंडनेस के ज्यादा शिकार होता है, क्योंकि अगर वो खराब हो गया तो पूरा कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। समझ में आ गई बात को? ठीक है, चलिए बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, सीरियसली बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। इससे एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों क्वेश्चन में बोला जा रहा है हवा में ध्वनि की गति इतनी है जबकि पानी में इतनी है, यदि पानी में तरंग दैर्ध्य इतनी तो हवा में ही है। तो दोस्तों देखो, नीचे मान लेते हैं पानी, नीचे मान लेते हैं पानी, ऊपर मान लेते हैं दोस्तों हवा, नीचे मान लेते हैं पानी। तो ध्वनि भी तो क्या है, एक तरंग ही है। तो बेसिकली जो ध्वनि है वो हवा से मान लो पानी में जा रही है, तो बोला जा रहा है हवा में ये था, है ना, पानी में बताओ क्या होगा। देखो एक चीज ध्यान रखो, कोई भी तरंग हो अगर वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल होगा दोस्तों। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की वजह से दोस्तों वेग में परिवर्तन आता है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आएगा। लेकिन दोस्तों फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? ठीक है सर, समझ में आ गया। तो किसी भी तरंग की जो स्पीड होती है या जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। फ्रीक्वेंसी को मैं क्या बोल दूं? स्पीड बाय वेवलेंथ, यानी चाल बट्टे तरंग दैर्ध्य या वेग बट्टे तरंग दैर्ध्य। तो यहां पर देख लो कितनी थी हवा में, कितनी थी गति, कितनी थी 340 बट्टे हवा में तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है, चलो इसको लैम्बडा मान लिया, है ना। ये मैंने क्या निकाल दिया, हवा में फ्रीक्वेंसी निकाल दी। पानी में फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी होगी, पानी में चाल कितनी है 1445, पानी में कितनी है तरंग दैर्ध्य 8.5, बस इन दोनों को बराबर कर दो, 340 बट्टे लैम्बडा बराबर 1445 बट्टे 8.5। बहुत जने सोचेंगे सर आपने सेंटीमीटर में क्यों लिया, मीटर में क्यों नहीं लिया? अरे दोस्तों मीटर में लेते 100 से भाग लगाते तो ये आंसर भी मीटर में आता, फिर वापस आप लोग 100 से गुना करते सेंटीमीटर में पूछा गया, इसलिए इसको सीधे सीधे यहां पर सेंटीमीटर में लिख लो ना, ठीक है, तो सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ गई बात को, मजा आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बन रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करके देख लो आंसर क्या रहा है। लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देखो बताओ, 2 सेंटीमीटर। बहुत जने 2 सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो आप पे विश्वास कर लेता हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, बोला जा रहा है आयरन कोबाल्ट निकल, ये जो धातु इन समूह को क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे? आ जाओ चेक करते हैं क्या बोलेंगे, क्या इसको अल्कली मेटल बोलेंगे? क्या अल्कली मेटल किसको बोलते हैं? पहले वर्ग में जो मेटल आती है कौन कौन सी आती है? हाइड्रोजन को छोड़ दो, वो तो नॉन मेटल है, धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, क्या ये कहलाएगी क्या अल्कली मेटल? सर ये नहीं कहलाएगी, तो फिर इनको क्या बोलेंगे? देखो दोस्तों समझो मेरी बात को, देखो ये रहा आप लोगों का पोटेशियम, ये रहा आप लोगों का कैल्शियम, ठीक है,
ये खत्म हो गया आप लोगों का एस ब्लॉक पूरा। यहां पर कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, फिर 21 वाला इधर आएगा, 22 वाला इधर, 23 वाला इधर, 24 वाला इधर, 25 वाला इधर, 26 वाला इधर, 27 वाला इधर, 28 वाला इधर, 29। देखो ये 26, 27, 28 ये सारे इधर आ रहे हैं, यानी डी ब्लॉक में आ रहे हैं। दोस्तों डी ब्लॉक के अंदर जितनी भी मेटल आती है ना सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो ये रहा आप लोग का आयरन, कोबाल्ट, निकल, समझ में आ गई बात को, ये डी ब्लॉक में तो आ रहा है। इस डी ब्लॉक में जो भी आता है ना सारे के सारे आप लोगों के ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सॉरी बताओ पीएच वाले मान वाले एक विलयन में HCl की कुछ बूंदे आपने मिला दी तो क्या होगा? दोस्तों HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत प्रबल अम्ल है, इसकी पीएच बहुत कम होती है, तो अगर आपने ऑलरेडी वो अम्लीयता अगर इसमें इतना खतरनाक अम्ल मिला दिया तो आपकी पीएच और कम हो जाएगी, विलयन और अम्लीय हो जाएगा, विलयन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है चले ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये वो ही कर पाएगा जिसने 4 बजे क्लास ली थी, मूल कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था ना, करो आपके लिए रोज 4 बजे छोटी छोटी वीडियो लेकर आ रहा हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है बताओ। देखो देखो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन है ना, ठीक है इसमें दो प्रकार के तत्व हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, द्रव्यमान संख्या होती है 12, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, द्रव्यमान संख्या होती है 16, ये बात ठीक है क्या? ठीक है, क्लियर है क्या? अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालना चाहूं, मोलर द्रव्यमान निकालो, मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है, एक मोल अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूं उसका द्रव्यमान कितना होगा, 5 ग्राम होगा, 10 ग्राम होगा, कितना होगा अभी निकालते सर। तो एक मोल में कार्बन के कितने एटम है, देखो पहले समझो प्लीज, इधर ध्यान दो प्लीज, सब ध्यान दो, ये क्या एक अणु है, मॉलिक्यूल है सर, कैसे पता पड़ा? परमाणुओं से मिलके जो बनता है उसको अणु बोलते हैं। इसमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, 1 कार्बन का परमाणु है। मैं आपको बोल रहा हूं अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु लोगे तो उसमें कार्बन के कितने परमाणु आएंगे, 1। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु लोगे तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है समझ गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं का मोलर द्रव्यमान निकालना, यानी एक मोल अणु ले रहे हो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड के, तो उसमें कार्बन के कितने परमाणु आएंगे, 1 मोल परमाणु आएंगे, 1 मोल कार्बन के परमाणु आएंगे, जबकि ऑक्सीजन के कितने आएंगे, 2 मोल आएंगे, 2 मोल आएंगे, 2 मोल आएंगे। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर जो संख्या लिखी होती है ना उसके आगे ग्राम लगा दो तो वो मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। तो कार्बन का है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का है 16 ग्राम, 2 मोल लेना, 16 × 2 = 32, तो 32 + 12 = 44, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान हो गया 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम में कितने मोल आएंगे, 1 मोल, 88 ग्राम में 2 मोल आएंगे, 88 ग्राम में 2 मोल आएंगे। 1 मोल में कितने होते हैं, 6.023 × 10³, 2 में कितने होंगे, 2 से गुना कर दो, 12 × 10³, 23, देखो कितना बढ़िया है, कितना शानदार क्वेश्चन है, बताओ। ठीक है तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, शाम को 4 बजे मिलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्वेश्चन पक्का पक्का इससे आता ही आता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग कोर्स से जुड़ जाइए, आप लोगों का रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो आप लोगों का कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एनवायरमेंट चारों डिटेल में मात्र 799 रुपए में। ठीक है, आप लोगों का यहाँ पर चैप्टर वाइज एक टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रही है जिसका प्राइस है 300 रुपए। ठीक है, आप लोग कंटेंट देख सकते हो, शानदार आप लोगों का मजा आ जाएगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी कोर्स अवेलेबल है दोस्तों, प्राइस आप लोगों का फिर से 3000 हो जाएगा, फिर आप लोगों का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वाले का और जनरल साइंस का 2000 वाले का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को मैंने प्रोसीजर बताई रखा है, ज्वाइन कैसे करना है, तैयारी को 4 चांद लगाओ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। प्ले स्टोर पर जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, इसके कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे यहां पर आपको मिल जाएगा, इस पर जाके आप लोग बाय नाउ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।